के गृह मंत्री अमित शाह 24 फरवरी को सतना दौरे पर आ रहे हैं, जहां वो सतना मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही अमित शाह शबरी माता महोत्सव के कोल समाज महाकुंभ को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मंत्री नरोत्तम मिश्रा समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। अमित शाह कर्नाटक से सीधे खजुराहो पहुंचेंगे, मां शारदा की पूजा अर्चना करने मैयर जाएंगे, जहां सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। इसके बाद अमित शाह सतना पहुंचेंगे, जहां वो कोल आदिवासी सम्मेलन को संबोधित कर मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करेंगे। और अमित शाह के दौरे को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तो मध्य प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे, आज 13 मेडिकल कॉलेज है। और कल इस देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी मध्य प्रदेश को एक बड़ी सौगात दे रहे हैं। कल 24 तारीख को सतना मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हो रहा है, उसकी परमिशन हमें मिल गई है। कल माननीय अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के करकमलों से सतना मेडिकल कॉलेज की शुरुआत होगी। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 2205 MBBS की सीट हो जाएगी, 150 सीटों की बढ़ोतरी होगी। तो बता दें, अमित शाह का सतना दौरा रहेगा। और जानकारी आपको दे दें कि विंध्य काफी महत्वपूर्ण, कल गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और कार्यक्रम स्थल से तस्वीरें यहां पर आएंगे और मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करेंगे। इससे पहले सतना को इलाज के लिए दूसरे शहरों पर आश्रित रहना पड़ता था, लेकिन 600 बिस्तरों वाला एक बड़ा अस्पताल और साथ में मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण होने से सतना को बड़ी राहत मिलेगी। इसलिए कल का दिन सतना के लिए ऐतिहासिक रहने वाला है। और इसके साथ ही एक बड़ा आयोजन सबरी माता जयंती के अवसर पर कोल जनजाति महाकुंभ का जो ये विशाल कार्यक्रम है, वो भी एयरपोर्ट के पास बने मैदान में होना है, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई मंत्री शामिल होंगे। और इस पूरे कार्यक्रम की तैयारी हम आपको दिखा रहे हैं कि लगभग 1,00,000 लोगों की क्षमता वाला ये मैदान है, जिसको पूरी तरह भरने का भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है। चुनावी वर्ष है, इससे पहले भोपाल में आदिवासी सम्मेलन कर बिरसा मुंडा जयंती मनाई गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की थी। काफ़ी ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा था। और उसके बाद कोल जनजाति महाकुंभ का ये आयोजन होने जा रहा है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित सूबे के मुख्यमंत्री और कई मंत्री शिरकत करेंगे। चुनावी वर्ष है, इसलिए राजनीतिक लोग इसे इस तरीके से भी देखते हैं कि आदिवासी सम्मेलन के बाद ये कोल और जनजाति सम्मेलन करके भारतीय जनता पार्टी इन्हें भी साधने का प्रयास कर रही है। और विंध्य, जो कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि 2018 के चुनाव में भाजपा को यहां से काफ़ी बहुमत मिला था, लेकिन कांग्रेस जिसकी यहाँ से जमीन धीरे धीरे खिसकने लगी है, तो कमलनाथ भी रणनीति बना रहे हैं जिस तरीके से विंध्य और महाकौशल को साधने की, तो इस लिहाज से ये कार्यक्रम और ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि विंध्य में जिस तरीके का जनादेश भारतीय जनता पार्टी का, अंचल आगे भी आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन तस्वीरें आपने देखी कार्यक्रम स्थल की। और आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी सतना पहुंच गए हैं। फिलहाल बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात जारी है। कल मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण और शबरी महोत्सव में भी प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। तो राष्ट्रीय बता दें आपको, गृह मंत्री पहुंचेंगे देश के कल यहां सतना में, और एक बड़ा आयोजन करने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है। मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया जाएगा, विंध्य को बड़ी सौगातें कल मिलने जा रही। लेकिन उससे पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की तस्वीरें आप देखिए, जब सत्ता पहुंचे तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया।